बात करने वाले हैं एक नई क्लास के साथ, जो यूपीएससी का सी सेट होगा। यूपीएससी का सी सेट, हम यूपीएससी के सी सेट की बात करेंगे और उसमें यूपीएससी के सी सेट की नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम में क्या आता है उसकी हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 1 होगा। मैंने पहले भी वो काफ़ी क्लास में पढ़ाया है और फिर भी आज फिर एक क्लास ले रहा हूँ नंबर सिस्टम की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर नंबर सिस्टम को और पढ़ाइए। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ाता हूँ। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था कि नंबर सिस्टम करीबन 30 से 40% तक रहता है परीक्षा में, सी सेट में। सी सेट में 30 से 40, चाहे यूपीएससी का हो या बीसीएस का हो, तो उसमें 30 से 40% सी सेट रहता है। यदि सी सेट हमें सही से आ जाए तो सी सेट के बाद जितने भी जो है क्वेश्चन होंगे वो आराम से हो जाएंगे। तो सी सेट होना बहुत ज़रूरी है, सी सेट के अभाव में प्रश्न नहीं हो पाते और सी सेट हो ही नहीं पाता। शुरू करते हैं सी सेट में। तो सी सेट में हम आज बहुत सी बातों को पढ़ेंगे, जैसे कुछ सूत्र होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे सूत्रों को देखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर एक और सूत्र होता है ए प्लस बी के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे सूत्रों को भी देखेंगे। और भी कई सूत्र हैं, जैसे जैसे लगातार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और भी संख्याओं का योग करना होता है। तो पूछा होता है योग बताओ, तो इस प्रकार के भी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसका सूत्र n n+1/2 होता है। तो ऐसे सभी प्रश्नों को हम देखेंगे धीरे धीरे और सभी सूत्रों को देखेंगे धीरे धीरे। सूत्र और प्रश्नों को एक साथ देखते हुए हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को और क्लास को लेके चलते हैं आगे। तो आपने देखा होगा परीक्षा में बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे यूपीएससी के प्रश्न में, यूपीएससी के पेपर में एक प्रश्न आया था कि बताइए कि निम्न में से क्या उत्तर होगा। तो प्रश्न मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर देखेगा आपको। तो प्रश्न क्या था कि एक अंक है, प्रश्न आया था, प्रश्न है कि एक अंक एन ग्रेटर देन 3 भाज्य है 3 से, लेकिन लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन था, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। अब फिर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 से एक भाज्य है। तो ये एक क्वेश्चन आया था आपकी परीक्षा में। तो ये पूछा गया था कि बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया था ए 2n, बी 3n, सी 2n+4 और डी 3n+4। ऐसे क्वेश्चनों को भी हम करेंगे इस नंबर सिस्टम को, चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये नंबर सिस्टम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नंबर सिस्टम के जानने के लिए हम पहले हम बेसिक चीज़ों को जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेसिक चीज़ों के अभाव में नंबर सिस्टम नहीं किया जा सकता। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं वो देखते हैं। तो जैसे बेसिक चीज़ें आपकी कहती हैं कि अंक आपके 10 होने चाहिए। ये मैंने बता दिया था, जो 1 से लेके 10 तक होते हैं अंक, 1 to 10 होते हैं। 10 अंक हो जाते हैं, 1 to 9 होते हैं, 1 to 9 अंक हो जाते हैं, और टोटल 10 अंक हो जाते हैं। 10 अंक होते हैं 1 से लेके, और 1 से पहले भी एक 0 आता है। हम अक्सर 1 को ही जोड़ते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि 1 से पहले भी 0 आता है। तो उसको जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ने का मतलब यह है कि हम इनको गिन रहा हूँ, हम इनको गिन रहे हैं, तो 10 अंक हो रहे हैं।
जोड़ने का मतलब ये है कि इनका टोटल नहीं करना है, अंक जोड़ने, 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 9, 8 रह गया है, 8 और कर ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अंक हो गए 0 से लेकर 10 अंक हो जाते हैं 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो जाते हैं। इस तरीके से अंकों की जो संख्या है, अंकों की संख्या मैंने बताई थी, अंकों की संख्या 10 है, जो है हमारी 0 से लेकर 9 तक। अब हम आगे चलते हैं इन्हीं अंकों के सारे, अब हम आगे चलते हैं तो इन अंकों को देखते हुए कि अब प्रश्न आते हैं कुछ कि जातीय मान क्या होता है। वैसे नहीं पूछा जाता कभी जातीय मान और स्थानीय मान नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बेसिक है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2837868, कोई संख्या लिखी, इसमें पूछा आपसे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या करेंगे 8 के स्थानीय मान के लिए, 8 को देखेंगे कि कहाँ पर है। तो एक तो यह है कि स्थानीय मान का मतलब होता है वह अंक जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वह अंक जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो कौन से स्थान पे है, तो ये इसका मतलब होता है स्थानीय मान, कौन से स्थान पे है वो होता है स्थानीय मान। तो बस यही देखना होता है कौन सा स्थान है। तो पहला इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक है तो इकाई स्थान पे है, तो इकाई अंक है तो इसलिए इसका स्थानीय मान कितना होगा, इसका स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान 8 होगा, स्थानीय मान हो गया आपका 8। वहीं 6 का स्थानीय मान पूछे, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, क्योंकि वो 2.5 अंक पे है। जो भी जिस अंक पे जिस जिस नंबर पे होता है, जिस स्थान पे होता है, वही उसका स्थानीय मान है। निकालने का तरीका होता है 6 में 10 का गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। वहीं अगर 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 में 100 का गुणा कर देंगे, 8 का स्थानीय मान पूछे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 है तो 8 में गुणा कर देंगे हम 1 पे 3 0 का गुणा कर देंगे और हो जाएगा आपका स्थानीय मान। और 4 चौथे स्थान पे है तो 4 का कर देंगे, तीसरे स्थान पे तो 3 का कर देंगे। तो यहाँ 8 पे जो है 1 पर 4 अंक हैं, चौथे स्थान पे है 1 2 3 4, तो 1 पे 4 करके गुणा कर दिया तो ये हो गया 80,000। तो 80,000 इसका स्थानीय मान बैठा। तो स्थानीय मान निकालने की विधि क्या है, 2837 2837 68 है, तो जो जिस स्थान पे है वही उसका स्थानीय मान होता है। तो 8 इकाई के स्थान पे है, इकाई में किसी का गुणा नहीं होता तो 8 का 8 हो गया। 6 का स्थानीय मान 1 अंक आगे है तो ये 2.5 के स्थान पे 10 का गुणा हो गया 60। 7 का स्थानीय मान 7 पे 100 का गुणा हो गया 700। 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1,000 हो गया बराबर 3,000। ऐसे ही 8 का स्थानीय मान हो गया आपका 8 × 8 पर 1340 कर देंगे तो 8 पर भी 4 0 आ जाएंगे, ये इसका हो गया। 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 × 1 पर 50 1 पर 50 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर 50। तो इस तरीके से ये 2 का स्थानीय मान। एक और इसकी तरीका है, ये है कि जो जिस अंक जो अंक का स्थानीय मान निकालना है, तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है या जो अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके आगे देखेंगे कि उसके आगे ये देखना है कि कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो जितने अंक होंगे उतने अंकों का हम गुणा कर देंगे या उतने अंकों को शून्य लगा देंगे। तो जैसे 2837 768 संख्या है हमारे पास, अब हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 से पहले देखा 2 अंक हैं 8 और 6, तो 00 लगा दिया, ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो ये स्थानीय मान हो गया। अब चलते हैं जातीय मान पे, किसी का भी निकाल सकते हैं, अब 3 का निकाल सकते हैं, 3 से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 से पहले 3 अंक हैं तो 3 0 हो गए। 8 का निकालना है तो 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 0 हो गए। ऐसे ही 2837 6
ऐसे ही अगर 8 का निकालना है फिर से, तो यहाँ डबल 8 है, तो डबल 8 वैसे होता नहीं है, ठीक है, डबल 8 ऐसे होता नहीं है, पर फिर भी रख दिया है, तो यहाँ इसको नहीं रखेंगे, एक ही को आएगा। अगर दोनों का पूछे तो एक बार ये स्थानीय मान हो जाएगा और एक बार ये हो जाएगा, ठीक है, ये दो स्थानीय मान हो जाएंगे 8 के, 8 के भी दो स्थानीय मान हो सकते हैं, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 8 का स्थानीय मान 8, और 8 से पहले 1 2 3 4 चार जीरो हैं, तो 4 0 आ गए, इस 8 का स्थानीय मान 8, तो जितने अंक जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही स्थानीय मान हो जाता है, तो ये स्थानीय मान निकालने की विधि है। अब चलते हैं आगे, स्थानीय मान के बाद जातीय मान क्या होता है, जातीय मान की बात कर ले रहा है, तो जातीय मान क्या होता है इस पर बात कर ले रहा है, ठीक है, तो जैसे जातीय मान की बात कर रहे हैं, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान 283768 है, तो अगर इसका जातीय मान निकाला है, तो जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो अंक जैसा दिखता है, जो अंक जैसा दिखता है उसका वही जातीय मान होता है, उसका वही जातीय मान होता है, ठीक है, जैसे 2 का जातीय मान 2, 8 का जातीय मान 8, 3 का जातीय मान बराबर 3, ऐसे ही 6 का जातीय मान बराबर 6, तो जो जैसी शक्ल है उसका वैसा ही जातीय मान होता है, 3 का जातीय मान फिर से 3, तो ये जातीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे अब संख्याओं को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं कि और क्या किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ, पेज को मैं चेंज कर लिया है, ठीक है, परंतु पेज चेंज नहीं हो रहा, पर कोई बात नहीं है, ठीक है, पेज चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैंने एक पिक ले ली थी, पिक पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पेज चेंज व्हाइट कलर का है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर डिलीट हो जाएगी, क्लास ओवर हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं कि संख्याओं का विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कैसे विभाज्यता पता करते हैं बिना भाग दिए हुए, बिना भाग दिए हुए कैसे पता किया जाए, कैसे पता किया जाए कि कोई संख्या दी गई संख्या से विभाजित है कि नहीं है, कैसे पता किया जाए। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 2 से विभाजित होने का नियम, 2 से विभाजित होने का नियम है किसी संख्या के लास्ट में, कोई संख्या 2837 है, इसके अगर लास्ट में यहाँ पे 7 की जगह अगर 0 2 4 6 8 हो तो हम समझ जाएंगे वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ये 2 से विभाजित होने का नियम है। कोई संख्या है जैसे 2837 की जगह 0 होता तो हम समझ जाते हैं ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, कुछ शून्य नहीं बचेगा। वहीं अगर 2 से विभाजित होने का और नियम देखें कि संख्या है 2837, 2837 में अगर डिवाइड लगाएं 2 का तो नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड नहीं जा सकता इसमें, ठीक है, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड इसमें नहीं जा सकता, तो कह सकते हैं हम कि जब 2 का डिवाइड ही नहीं जाएगा तो ये कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, वैसे एक तरीका ये है कि 2 से डिवाइड दे दो और यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचे, शेष नहीं बचेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 2 से कट रही है, शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब ये भाग देने से अच्छा है कि हमें क्या करना है, विभाजित होने के नियम लगा लेने हैं, तो लास्ट में 6 है तो 6 है तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ये हमें बात समझनी है। वहीं अब चलते हैं 2 के बाद 3 पे चलते हैं, 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजित होने का नियम कहता है किसी संख्या के अंकों को 3 से विभाजित करें, अंकों को
तीन से विभाजित करें ब्रैकेट में योग को अंकों को तीन से विभाजित करें, अंकों के योग को लिख ले रहे हैं, अंकों के योग को तीन से विभाजित करें, तो तीन से विभाजित अगर करेंगे तो वो संख्या पूरी जो है तीन से कट जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने संख्या लिखी, तो अब मैं कैसे जानूं ये तीन से विभाजित होगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इसके अंकों को जोड़ लिया, तो 1 2 3, 3 और 3 6 होते हैं, 6 4 10, 5 15 और 21, तो 21 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 7 टाइम, तो हम कह देंगे संख्या संख्या 1 2 3 4 5 6 तीन से पूरी पूरी विभाजित है, पूरी पूरी विभाजित है, हम कह सकते हैं विभाजित है, ठीक है विभाजित है, चेक करके देख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड लगा ले रहे हैं 3 का, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 चौके 12 होता है, 12 चला गया, उतारा लिया 3 का, 3 एकम 3 पूरा पूरा कट गया, उतारा लिया 4 का, तो 3 एकम 3 बचा 1, उतारा लिया 15 का, 5 का, 3 5 15 अब पूरा पूरा कट गया, 6 का लिया, 3 दूनी 6, तो फिर से पूरा पूरा, तो ये इस तरीके से कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, कोई सी भी कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि यदि होगी यदि उस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे तो वो संख्या पूरी, तो वह संख्या हम समझ सकते हैं पूरी 2 4 से विभाजित हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये संख्या है मैंने लिखी ये, अब इसके अंतिम दो अंक हैं 56, अंतिम दो अंक हैं 56, इस 56 में अगर डिवाइड लगाऊं 4 का, अगर पूरा पूरा कट गया 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये पूरा पूरा कट गया 56, तो हम कह सकते हैं 56 जब 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ये विभाजित होने का नियम है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 9 7 3 4 2, और यहाँ पे 4 और लिख लूँ, तो ये हमें इसको एक तो तरीका ये है कि पूरे में भाग लगाएं, पूरे में भाग लगाएं तो शेष कुछ ना बचे, शेष ना बचे तो कह सकते हैं कि संख्या 4 से कट जाएगी, और शेष बच जाए तो कह लेंगे कि संख्या नहीं कटेगी, तो अब लास्ट में हम क्या है, हम भाग लगा के नहीं देखेंगे, हम बिना भाग के देखेंगे, तो लास्ट में 24 है, 24 में 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 बार जाएगा, 24 में पहाड़ा 4 का पड़ेंगे तो 6 बार जाएगा, और 24 में 4 का पहाड़ा पड़ने से 6 बार से पूरी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये पूरी संख्या 9 7 3 4 2 जो है वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। इतनी बात समझ में आई, यहीं तक रखते हैं हम वीडियो को, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो हो रहा है बड़ा, और फिर मैं आपको यहीं से शुरू करूँगा 4 के बाद, अब मैं 5 पे चलूँगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 11, तो इस तरीके से विभाजित होने का नियम समझ लेंगे। वैसे 5 से विभाजित होने का नियम होता है 0 और 5 किसी संख्या के लास्ट में, संख्या 1 2 3 4 0 और संख्या 1 2 3 4 5 ये दोनों ही संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी, जो लास्ट में 0 और जिसके 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 0 अलग हो, 1 2 3 4 0 हो तो ये भी संख्या कट जाएगी, 1 2 3 4 5 ये भी कट जाएगी, तो ये 5 का नियम है। 6 का नियम कहता है जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी, 2 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, तो 6 का ये है कि दोनों 2 और 3 से कटनी चाहिए, 6 का डिवाइड कब जाएगा जब 2 और 3 से वो कोई संख्या कट जाएगी तो 6 से कट जाएगी। 7 का ये होता है कि कोई संख्या 4 बार रिपीट हो जाए, 7 से विभाजित होने का नियम है, तो वैसे तो काटना ही पड़ता है, वैसे जैसे 1 2 3 है और 1 2 3 है, 6 अंक रिपीट हो जाए तो वो समझ लेना वो संख्या 7 से कट जाएगी, 7 से विभाजित होने का नियम है ये, 7 से विभाजित होने का नियम है। क्या नियम है, कोई संख्या अगर 7 से कट जाएगी अगर वो 6 बार रिपीट हो जाए ये भी कट जाएगी, ठीक है, तो
एक तो एक वाली है और एक ये वाली है, जैसे दो 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 फिर दो 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 रिपीट हो रहा है, तो ये भी सात से कट जाएगी, सात से कट जाएगी, तो ये संख्याएं जो है सात से कट जाती हैं, या फिर चार पाँच छः, चार पाँच छः ये भी सात से कट जाएगी, क्योंकि ये विभाजक होने का नियम कहता है। ठीक है, तो देख ले रहे हैं फिर सात के बाद, फिर चलो अब आगे बढ़ ले रहे हैं, सात के बाद आठ पे आ जा रहे हैं। आठ का विभाजित होने का नियम क्या कहता है? आठ से विभाजित होने का नियम कह रहा है कोई संख्या आठ से कट जाएगी यदि यदि संख्या के अंतिम तीन अंक जो है वो अगर सात से कट जाए तो वो संख्या सात से विभाजित हो जाएगी। अंतिम तीन अंक कैसे? मैंने संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6, अगर ये अंतिम तीन अंक आठ से कट जाए तो समझ लो वो संख्या पूरी की पूरी आठ से कट जाएगी। तो अंतिम तीन अंक है पाँच चार पाँच छः, और डिवाइड लगाऊंगा आठ का तो आठ पंजे 40, बचे कितने पाँच, उतार लिए छः का, 8 7 56, तो ये पूरी संख्या जो है अब ये 1 2 वाली 1 2 3 4 5 6 वाली पूरी संख्या आठ से कट जाएगी। आठ से विभाजित होने का नियम है, तो आठ से, नौ से विभाजित का वही है जो तीन का है, नौ से वो कट जाएगी जो तीन से कट जाएगी। तो नौ से विभाजित होने का नियम है कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि तीन से कट जाएगा तो वो संख्या नौ से कट जाएगी। दस का क्या है? नौ के बाद दस पे आते हैं, दस का तो नौ और तीन का तो एक ही है, दस का क्या है? लास्ट में जीरो, अंतिम अंक कितना हो? अंतिम अंक जीरो हो तो वो संख्या दस से कट जाएगी। जैसे आप जानते हैं इजी है, दस से कटने का नियम क्या कहता है? कोई संख्या अगर लास्ट में उसके कितने हो, 2 5 3 0 0, तो ये संख्या 10 से कट जाएगी, 10 का भाग चला जाएगा, 700 या 7000 हो 10 का तो कट जाएगी पूरी पूरी। तो 10 से कटने का नियम है लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 से विभाजित होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 11 से ये कहता है विभाजित होने का नियम कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्या है तो इसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 0 या 11 या 11 का गुणज, या 11 का गुणज 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना, अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। अंतर का अर्थ होता है, अंतर का अर्थ होता है बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, छोटा मान हो उसको बड़े में से घटा दो तो अंतर आ जाएगा। अब सम स्थान विषम क्या है? तो एक तीन पाँच सात ये विषम स्थान है, तो विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9, तो इन स्थानों पे कोई स्थान प्लेस कोई संख्या आए तो वो फिर उत्तर निकालना है कैसे? तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जोड़ दूं और इधर सम स्थान जोड़ दूं तो सम स्थानों के 2 4 6, तो जोड़ दूं इनको तो 3 और 4 3 ये हो गए, 4 4 5 हो गए, 9 9 7 16 हो गए, 16 16 माइनस 2 4 6, 6 और 6 12, तो घटाऊं तो इसमें से कितना बचेगा? 16 में से 2 बचेगा, तो ना तो ये 0 ना ही 11 है, तो ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। तो 11 से विभाजित होने का नियम ये है। अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये यूपीएससी के सी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, सी सेट की बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चल रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर से इसको शुरू करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो सारी आपको मिलती रहे जैसे मैं वीडियो डालूँ, जैसे कि मैं क्लास लूँ, और कमेंट करें और लाइक करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेटर कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।